इनको लगता है कि मैं इस घर में पैसों के लिए वापस आई हूँ। मुझे माफ कर दे लाजवंती बेटा, मुझे नहीं पता था कि उदय इतना आगे निकल जाएगा कि तेरे जैसे एक सीधी सादी लड़की को वो गलत समझ जाएगा। लेकिन मान मेरी बात, इसमें उदय का कोई कसूर नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लीजा भी जिम्मेदार है। लेकिन मम्मी जी, लीजा जी तो मेरा भला चाहती है ना। वाकई लाजवंती, तुम कितनी भोली भाली हो, हर बात मुझे तुम्हें समझानी पड़ती है। देख बेटा, हम एक परिवार में रहते हैं, कभी कभी उसी परिवार में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है, लेकिन अगर प्यार से बात करो तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर तुम ये सारी बातें उसे नहीं समझा सकते तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगी लीजा को, उसे बुला लो। बेटा, अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो लीजा को बुला लो। लगता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। मम्मी जी, लीजा जी घर पर नहीं है, वो अस्पताल गई है। लाजवंती बेटा, लीजा की तबीयत तो ठीक है ना? जी, वो लीजा जी कह रही थी कि उनकी बेगुनाही का सबूत अस्पताल से ही मिलेगा। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल तक पहुंच ही गई लीजा। अब मुझे जल्दी ही एक्शन लेना होगा, इसके पहले कि मेरी बात बिगड़े और तुम्हारी बने।